तो जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आपका ये सवाल होगा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या जो कि तीनों तीनों सेनाओं ने किया। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। तो दोस्तों बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपका सवाल होगा कि आर्मी का जो एग्ज़ाम था वो क्या हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भी पुराने एग्ज़ाम बचे थे आर्मी के 1.5 साल से 2 साल से, वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। आज फाइनल हो चुका है, इन्होंने बता दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो कि रिजल्ट एयरफोर्स का था वो भी, उसको भी रद्द कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूँ, एक तरफ से बहुत बुरी खबर ये आ रही है निकल के, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे। नहीं, मेरे सवाल सुन लीजिए सर, उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे कि उन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं, उनको प्रेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासन कैसे लें इसको? कि आप इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि देखिए, अब जितनी भर्तियाँ होंगी और TOD के तहत ही होंगी भर्तियाँ, और जो रेगुलर भर्तियाँ होती थी अब नहीं होने वाली है, ये भी क्लियर हो चुका है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो आपको मैं बता दूँ, आपका जो इन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का डेट निकल चुका है आपका, कब से रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो एयरफोर्स का रजिस्ट्रेशन वो 24 जून से है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 जुलाई को होगा। और नेवी का बात करते हैं तो इसका 25 जून को है, और इसका भी अभी एग्ज़ाम होगा। और आपको आर्मी का बता दूँ, मैं इंडियन आर्मी का, इसका आपको रजिस्ट्रेशन आपका जो है 1 जुलाई से होगा, और अगस्त में इसकी रैली भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी, जो ओपन भर्तियाँ होती हैं वो भर्ती शुरू हो जाएंगी, आपको क्लियर कर दूँ। और इन्होंने एक और बात बताई है कि इस साल 83 रैलियाँ होंगी ऑल ईयरों मिलाकर, मतलब, और 45,000 वैकेंसी आप तो जानते ही हैं, और इन लोग दिसंबर तक सबको ज्वाइनिंग दे देंगे 4 साल के लिए, आप जानते ही हैं इन्होंने। तो मैं आपको सारी बात क्लियर कर दूँ, अब जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अब पुरानी भर्ती है, मैं आपको एक और बार बता दे रहा हूँ, सब रद्द हो चुकी है। और मैं बता रहा हूँ, देखिए जाएगा तो आखिर कोई फ़ायदा नहीं, आखिर रोग आके आखिर जाना TOD में ही है दोस्तों। और 20 तारीख को कल, जैसे कि कल आपको आंदोलन बहुत ज़ोरों से करना है दोस्तों, हर जगह होना चाहिए, दिल्ली में खासकर दोस्तों, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना है। बहुत बुरा हुआ है बच्चों के साथ, जितने भी एग्ज़ाम वाले थे, रिजल्ट जो एयरफोर्स का हुआ था, बहुत बुरा इन्होंने किया है सरकार ने, इनको थोड़ा भी दुख नहीं लगता अपने बातों पे बोलने के लिए, कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों का एक निर्णय पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है दोस्तों। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दिल्ली में पहुँचे दोस्तों, और गाड़ी मत जलाइए, ट्रेन में कुछ मत जलाइए दोस्तों, क्योंकि देखिए पुलिस पकड़ेगा आपको, दिक्कत होगा वेरीफिकेशन में, पुलिस वेरीफिकेशन में, फिर आप कोई भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कल ज़रूर दिल्ली में आप आइए, और आंदोलन बहुत ज़ोरों से होना चाहिए दोस्तों, और ये TOD इन लोगों को वापस लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, भले ऐलान हो चाहे कुछ हो, लेकिन आप TOD वापस लेना है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिए।